Hi everyone, welcome back to my channel. So after ages I'm shooting a video finally, and I'm so sorry कि मैंने मेरे last video में बोला था कि I'm back with my videos, and again एक gap पड़ गया एंड ऑलमोस्ट 1 week का गैप हो गया. एंड आई एम सो सॉरी फॉर नॉट बीइंग रेगुलर बिकॉज आई वॉज बिजी समवेयर एल्स एंड दैट वॉज ऑल्सो माई वर्क. सो जो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उनको पता होगा कि आई एम करेंटली इन्वॉल्विंग इन सम अदर वर्क रिलेटेड टू यूट्यूब ओनली. So I'm currently taking some makeup, bridal makeups and normal makeups orders. So I got my first engagement bride order and hope so ki mujhe wedding ka bhi jaldi se mil jaye. And yeah, so I'm moving towards that. Usi ke related maine workshop bhi ek attend kiya, then I got certified from there. Main wo certificate जैसे ही वो लैमिनेट होगा आई विल शेयर इट विथ यू ऑल. मैंने ब्राइडल मेकअप्स भी करना स्टार्ट कर दिया है. सो उसी के रिलेटेड मैं बहुत बिजी थी एंड ऑल्सो सम मेहंदी ऑर्डर्स, मतलब मैं सब उसी चीज़ों में बहुत बिजी हो गई थी कि आई लिटरली कुडंट शूट एनी सिंगल वीडियो. मैंने एक वीडियो शूट भी किया था जो था जब मैं ट्रैवल कर रही थी बाई ट्रेन. मैंने हाफ वीडियो शूट भी किया था बट अनफॉर्चुनेटली उसका जो लास्ट पार्ट था आई कुडंट शूट इट बिकॉज मुझे बहुत बहुत थकावट हो गई थी. आई वॉज एग्जॉस्टेड सो बैडली कि मैं जैसे ही घर पे आई बस मैं सो गई. मैंने लंच नहीं किया, कुछ नहीं किया. फ्रॉम 6 to 12 December, 13 December तक आप बोल सकते हो आई वॉज सो बिजी कि मतलब मुझे नींद की एंड आराम की इतनी ज़रूरत थी. मतलब एक टाइम काम करो एंड देन अगेन स्लीप एंड नो टाइम फॉर वीडियोस. अभी भी यू कैन सी सम टायर्डनेस ऑन माय फेस. नहा के आई हूँ, हेड वॉश लिया है बट स्टिल मैं बहुत फ्रेश भी नहीं लग रही हूँ. सो आई एम सो सॉरी फॉर दैट. एंड अभी भी मैं जो वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो भी मेरा पेंडिंग काम है, बट मैंने सोचा कि वो ऑफ कैमरा करने से बेटर है कि मैं आप लोगों के साथ इसे शेयर करूँ एंड थोड़ी बहुत हम चिट चैट भी कर लेंगे उसी वीडियो में. सो येस, अगर आप ये वीडियो देखने में इंटरेस्टेड हो सो प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग. सो जो जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उन्होंने ऑलरेडी स्टोरीज में देख लिया था कि मैंने कितना सारा मेरा जो मेकअप था, स्किन केयर था, जो भी था मेरा जो सामान था वो बस ऐसे ही मैसअप पड़ा हुआ था. ना मैंने उसे क्लीन किया था, कुछ भी नहीं किया था एंड जस्ट मैंने स्टोरी डाला था. सो आपको अगर वो सारे अपडेट्स चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करना. सो जो भी मैंने मेकअप ऑर्डर्स लिए थे, मेरे 3 to 4 मेकअप ऑर्डर्स हुए. सो उसका जो सारा सामान था, जो मेकअप ब्रशेस था, ब्यूटी ब्लेंडर्स एंड जो भी था, सब क्लीनिंग मुझे करना है. सारा अपने अपने जगह पे सेट करके रखना है एंड मेरे भी मेकअप वीडियोज़ अभी आएंगे उसके लिए भी मुझे सारा सेटअप करना है. सो आई हैव टू क्लीन एवरीथिंग फर्स्ट एंड देन आई विल गो फॉरवर्ड. सो एंड येस, सो लेट्स सी कि पहले क्या क्या मैस हो रखा है यहाँ पे. येस, सो आप लोगों फ़िलहाल मैंने थोड़ा अच्छे से बॉक्सेस में रखा है. ये एक बॉक्स में है, ये एक बॉक्स में है, ये एक बॉक्स में है, बट दिस इज़ ये सब मैं कल लेके गई थी. कल भी मुझे एक जगह पे था ऑर्डर. सो ये मैंने निकाला हुआ था एंड अदरवाइज़ ये सारे बॉक्सेस में आप देख सकते हो ऐसे ही रैंडमली सब डाल दिया है. ये भी बॉक्स में सब ऐसे ही रैंडमली पड़ा हुआ है. यहाँ पे भी सब मतलब पफ निकल चुका है. ये सारे बॉक्सेस खाली है, इसके अंदर का कॉम्पैक्ट भी कहाँ है आई डोंट हैव एन आइडिया. एंड ये चीज़ें हैं जो मैं आपको ब्रश क्लीनिंग करते टाइम दिखाऊंगी. सो जो भी इंस्टेंटली ब्रश क्लीनिंग कैसे होता है विदाउट वॉशिंग ब्रशेस वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी. तो मेरा मेकअप टूर चाहिए, क्या क्या वैनिटी में है मेरे, वो सब आपको देखना है. सो मुझे आपको कमेंट करके बताना पड़ेगा तभी आई विल शो यू वॉट आई हैव इन माई वैनिटी. सो लेट्स गो. शॉपिंग एनीथिंग करंटली बिकॉज यू कैन सी बहुत सारा सामान है, कैमरे में भी फिट नहीं आ रहा इतना सारा सामान है. सो जो भी मेरे पास कंटेनर्स है, टीन्स है, उसमें मैं सब पैक कर रही हूँ.
आफ्टरवर्ड्स कुछ दिनों बाद क्रॉफर्ड ओपन होगा, वैसे ही मैं जाऊंगी एंड सारा वैनिटी का सामान लेके आऊंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सारी मेरे जो लिपस्टिक्स है यहाँ पे, ये जो सारे मेरे लिपस्टिक्स है इसमें भी बहुत सारे हैं, वो सब मैं फर्स्ट ऑफ ऑल पैक करके रख देती हूँ। तो एक्चुअली ये कंसीलर भी मैं इसमें रख सकती हूँ। देन दिस वन, देन दिस नायका, देन दिस रखती हूँ, देन शुगर का लिपस्टिक है, देन दिस, इसमें भी लिपस्टिक्स है, ये दो लिपस्टिक्स है इसमें। देन लेट्स सी कि इसमें लिपस्टिक मिलता है, यस ये एक सेफोरा इसमें मिल गई। देन यस ये एक लिपस्टिक मिल गई, देन ये एक मिल गई, ये एक मिल गई, ये और एक, यस। सो लिपस्टिक आई थिंक आई एम डन विथ द लिपस्टिक्स, यस आई गॉट दिस। अगेन इसमें एक है दिस, और एक बॉक्स था दिस, ये मैं रखती हूँ बिकॉज कभी कभी लिपस्टिक खुल जाती है, सो वी नीड बॉक्स। इसमें भी लिपस्टिक्स होंगी, यू कैन सी द मेस, यस दिस इज़ द वन, दिस इज़ वेरी प्रिटी कलर। आई विल शेयर ऑल माई लिपस्टिक्स कलेक्शंस विथ यू। देन अगेन इसमें भी बहुत सारी लिपस्टिक्स है, ये लिपस्टिक्स का बॉक्स भर गया है पूरी तरह से। यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है। सो दिस इज माई लिपस्टिक कलेक्शन, वो फुल भर गया है। अब नाउ आई क्लोज इट, सो द लिपस्टिक इज डन। देन अभी मैं क्या करूँ वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इसमें मैं सारे फाउंडेशंस रखती हूँ, जो भी हेवी चीज़ें हैं, डेलिकेट है, इसमें जाएगा फाउंडेशन। आउटफिट पहना है, बट फुल स्लीव्स पहना है बिकॉज इट्स कोल्ड, ऑल्सो इट्स रेनिंग, आई थिंक सभी जगह पर हो रही होगी। एंड टाइट सी लेगिंग्स वेयर किया है, वेरी कंफर्टेबल एंड थोड़ी सी फिटिंग होने से थोड़ी ठंडी भी नहीं लगती है, एंड मुझे बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है थोड़ी सी बात पे भी। सो यस, पहले से मैंने प्रिपरेशंस करके रख दिया है। लेट्स सी कि अब इसमें क्या बचा है। सो इसमें है ये प्राइमर का कवर, प्राइमर का कवर फेंक दिया, ये जो नायका का बॉक्स है, दिस इज ऑल्सो
मैं फेंक देने वाली हूँ। माइक का है जो मुझे लगने वाला है। अभी मैं सारी फेंकने वाली चीज़ें निकाल के देखती हूँ। दिस बॉक्स इज़ डन, दिस इज़ डन, ये भी डन है। ये मुझे वॉश करना है, इसके लिए ऊपर है। ये मिनी स्ट्रेटनर का कवर है एंड मेरा स्ट्रेटनर जो है वो बेडरूम में है। सो सॉरी फॉर दिस। सो मेरा ये डन है। अभी मैं इसको रख देती हूँ मेरे ये वाले कबर्ड में। डोंट जज मी, मैं बहुत दिन से बिजी हूँ, सो मुझे कुछ साफ सफाई करने नहीं मिली है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये मेरे बड़े वाले बॉक्स को रख देती हूँ इसमें, बिकॉज दिस इज हेवीएस्ट। ये गया इसके अंदर, देन ये इसके ऊपर, दिस वन हियर। सो जब बाहर जाती हूँ तब मैं इसे स्किन केयर क्रीम्स फेस वॉशेस रखने के लिए यूज़ करती हूँ। सो कीपिंग इट हियर सेफली बिकॉज इट इज़ वेरी प्रीटी एंड वेरी नाइस क्यूट पिंक कलर। रफ स्टफ होता है इसमें, इसे भी मैं फ्रंट में ही रख देती हूँ बिकॉज कोई भी चीज़ें मिलेगी इसमें मैं रखती हूँ, इसमें से ही निकालती हूँ यहाँ पे। सो ये ओवरऑल ऐसा होता है मेरा वैनिटी, बिकॉज कुछ भी ऑर्गेनाइज नहीं है, जस्ट रफ स्टफ है। एंड ये हो गया बंद। नाउ आई एम लेफ्ट विथ दिस जस्ट क्लीनिंग। ये सारा क्लीन होगा, ये सारा जाएगा कचरे में एंड इससे होगा अभी क्लीन। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इंस्टेंटली मेरे ब्रशेस कैसे वॉश करती हूँ। ऑल्सो आई एम वेयरिंग दिस क्यूट क्यूट स्लीपर्स जो कि है अगेन फ्रॉम USA एंड दिस आर वेरी सॉफ्ट वेरी वॉर्म फॉर कोल्ड डेज। सो अभी मुझे ठंडी लगती है सो आई यूज़ दिस। सो दिस इज़ द कंडीशन ऑफ द ब्रशेस, आई विल शो यू। ये ही थोड़ा सा न्यू है इसके लिए, ये न्यू ही लग रहा है बट मैंने इसे यूज़ किया था। अदरवाइज सारे आई शेडो ब्रशेस आप देख सकते हो सब खराब हो गए हैं। रेड पिंक फाउंडेशन ब्रश, ये ब्लश, सो दैट्स इट। ये हो गए सारे मेरे ब्रशेस वॉश। अब मैं ऑफ कैमरा जाके बिकॉज मैं बहुत थक गई हूँ ये सारे ब्लेंडर्स एंड ऑल मैं वॉश कर देती हूँ। ये मैं थोड़ा सा ड्राई होने के लिए रख दूँगी। ये काफ़ी हद तक क्लीन हुआ है, नॉट कम्प्लीटली क्लीन बट मुझे नेक्स्ट वीडियो में ये इसे यूज़ करना है। सो फॉर द सेक ऑफ वीडियो मैंने इसे क्लीन कर दिया है। सो येस, चिट चैट तो मैं ज़्यादा कर नहीं पाई, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। स्टिल देन अभी हमारा मेरा हो गया है मेकअप का पूरा क्लीन, पूरा सेट सब क्लीन हो गया है, जगह पे रख दिया है। एंड अब मैं करूँगी थोड़ा सा रेस्ट, थोड़ा लंच करूँगी एंड देन आई अगेन सेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो शूट, बिकॉज आज मैं फ्री हूँ। सो मैं आज कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, वीडियो शूट करके पोस्ट करना है आप लोगों के लिए। एंड येस, सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो सो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, बिकॉज अभी और मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए आने वाले हैं मेरे इस चैनल पे। टिल देन हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।